ग्राफ के बारे में 2018 और 2021 का कंपैरिजन करके कि 2021 में सिलेक्शन लेना कितना आसान है, कितना कम कंपटीशन है 2018 के कंपैरिजन में। तो साथियों इसके पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बनना है, अजीत कुमार सासाराम ने कमेंट किया था वेस्टर्न मुंबई का कट ऑफ बताइए। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी जोन का कट ऑफ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस जोन के बारे में मैं कट ऑफ बताऊंगा डिटेल से, ठीक है, जैसे इस वीडियो को बताऊंगा। ठीक है साथियों देखते हैं शुरू से आखिरी तक। तो बात कर लेते हैं 2018 की मुंबई जोन में कितनी वैकेंसी। तो साथियों 2018 में मुंबई जोन में जो वैकेंसी थी सेंट्रल रीजन और वेस्टर्न रीजन की वो टोटल थी 4625 वैकेंसी। कितनी 4625 वैकेंसी थी, ठीक है साथियों। और वही फॉर्म फिल हुए थे 16 लाख फॉर्म फिल हुए थे और पर सीट या पर सीट 345 स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए, मतलब एक जॉब के लिए 345 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, ठीक है साथियों। ये था 2018 का आपका उसका जो फॉर्म कहते हैं कि पूरा डेटा है। अब 2021 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2021 की बात करें तो यहां पे अलग अलग वैकेंसी थी। 2018 में सेंट्रल और वेस्टर्न की एक में ही वैकेंसी आई थी टोटल 4625। अब 2021 में अलग अलग मुंबई जोन की एक देखो मुंबई सेंट्रल और एक वेस्टर्न की, ठीक है साथियों। तो सेंट्रल की वैकेंसी जो है केवल वो 9345 है, 9345 है और वही फॉर्म फिल हुए इसके लिए 9 लाख और पर सीट कंपटीशन है जो 96 स्टूडेंट एक सीट के लिए 96। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं लगभग 3.5 गुना कंपटीशन कम पड़ गया। कितना 3.5 गुना कंपटीशन, मतलब 3.5 गुना आपके जॉब लेने के चांस बढ़ गए, ठीक है साथियों। अब वेस्टर्न की जोन की जैसा बताया था अजीत कुमार सासाराम ने कमेंट किया था कि वेस्टर्न जोन का कट ऑफ। अब दोस्तों देखिए आप यहां कितनी वैकेंसी है 10734 वैकेंसी है पूरी, वही 10 लाख फॉर्म फिल है और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 93 एक सीट के लिए 93। तो मतलब अगर एवरेज बात करें तो लगभग 94 निकल रहा है एवरेज, एवरेज बात करके एक सीट के लिए। अब दोनों का कंपैरिजन कर लो आप सभी, आपके सामने डेटा है 345 2018 में एक सीट के लिए थे और 2021 में वही आपका 94 स्टूडेंट फाइट करेंगे एक सीट के लिए, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं कितना क्या रहे 2000। अब क्या देखो जैसे पता है आपको लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट ने इसका फॉर्म फिल किया है, क्या अब 2018 में जो फॉर्म फिल किए थे 2019 में क्या वो टोटल स्टूडेंट एग्जाम देंगे। और भी आपको बहुत से फैक्टर बताने वाला हूं और इससे भी कम कट ऑफ जाएगा, मैं आपसे बताने वाला हूं उसका प्रूफ भी दूंगा आपको। तो दोस्तों अब उसके बाद अब एक और डेटा देखिएगा मैंने जो आपके लिए कलेक्ट किया है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आरआरबी ग्रुप डी की 62,000 वैकेंसी थी और आरआरबी एलपी के 64,000 पद थे, वही आरआरबी जेई के 14,000 है आरआरबी एलपी के लिए, ठीक है, और आरआरबी जेई के लिए 64,000 पोस्ट थी। तो दोस्तों लगभग 1.5 लाख मतलब लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट है जो 2018 में स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, ठीक है 2018 में एग्जाम दिए थे और आपका जो ये फॉर्म फिल हुए थे ये 2019 में, क्या 2019 में फॉर्म फिल के, अब मतलब जो स्टूडेंट ये एग्जाम दिए हैं 1.5 लाख स्टूडेंट ये सेलेक्ट हो गए होंगे, अब तक सेलेक्ट हो गए हैं, अब 2019 में एग्जाम देंगे। क्योंकि एक जॉब दोस्तों जब एक बंदा कोई एक जॉब में हो जाता है तो बहुत 100 में एक बंदा ही बड़ी पोस्ट की तैयारी करता है, ठीक है, हालांकि ये बड़ी पोस्ट है सभी, ठीक है साथियों। फिर 2019 में जब 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे ही, अब ये जो 18 में थे अब इनका 19 में ग्रुप डी का जो 1 लाख वैकेंसी जो आई है ये 2019 में आई है, तो मतलब आप समझ सकते हैं तो जो 2018 वाले स्टूडेंट हैं ये 2019 में भी फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है साथियों। तो 2019 में भी फॉर्म फिल किए होंगे तो इसका मतलब जब इनका सिलेक्शन हो गया होगा कि ये एग्जाम देंगे तो अब साथियों ये एग्जाम नहीं देंगे, तो एक रीजन ये भी बनता है कि आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि 1.5 लाख जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, उनका जो सिलेक्शन हो गया, अब जो बचे हैं वो आ रहे हैं ग्रुप डी के लिए। अब और आगे कुछ बात कर लेते हैं आपको कितना कट ऑफ। अब देखो आपको 4-5 फैक्टर मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए कट ऑफ क्यों कम जाएगा। देखो पहले तो दोस्तों 5 टाइम्स वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी देखिए, देखो टोटल आप देख सकते हैं 5 टाइम्स वैकेंसी कैसे ज्यादा है, यहाँ 4625 टोटल है, ठीक है 4625। अगर यहाँ बात करें तो लगभग ये 20,000 वैकेंसी, लगभग 20,000 वैकेंसी, 4×5 लगभग 4-5 गुना है, ठीक है 20,000 वैकेंसी है, तो मतलब कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है साथियों। अब दूसरी बात करें, अब जैसे हमने बताया 3 पॉइंट जब इतना कम है वैकेंसी है तो जो कंपटीशन होगा वो भी लो होगा, 3.5 गुना कम से कम कंपटीशन लो हो गया और आपके 1.5 लाख स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए वो भी नहीं। अब लो अटेंडेंस, अब एक बात लो अटेंडेंस क्यों रहेगी इसका मैं भी प्रूफ देने वाला हूं। आप सोचिए 2019 में फॉर्म फिल हुए, 2019 से क्या 2022 तक सारे स्टूडेंट जितने फॉर्म फिल किए थे क्या सभी तैयारी कर रहे होंगे, नहीं साथियों। क्यों, बहुत से स्टूडेंट इसमें एग्जाम ही नहीं देंगे, क्यों, ये बहुत एक लंबा समय हो गया, जो कहते हैं कि बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प लिए हैं वही टिके होंगे, बाकी सब सोच रहे कहीं शादी हो गई तो किसी अपना फैमिली चलाना है तो कोई काम वाम करने, कोई अपना धंधा खोल लिया, तो इसके कारण बहुत से अटेंडेंस इसका भी लो होने वाला है, ठीक है साथियों। अब जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में, अब आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ 2018 की बताऊंगा और उसके बाद आपको 2021 की क्या रहने वाली है 2022 की उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है साथियों। अब जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल की कट ऑफ है 77 2018 की, ओबीसी की 72 और एससी की 61 और एसटी की 58 है, ठीक है साथियों। अब दोस्तों जब ये है नॉर्मलाइजेशन के बाद, अब नॉर्मलाइजेशन में लगभग सबके 15 से 20 मार्क्स बढ़े थे, 15 से 20 मार्क्स बढ़े थे, तो इसका मतलब है कि अगर हम 77 जनरल की है, क्या जनरल की 77 है, अगर एवरेज स्टूडेंट लूं मैं 15 ही मार्क कम कर देता हूं तो कितने हो जाएंगे, कितने पे सिलेक्शन, लगभग ये 62 पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है 62 पे सिलेक्शन हो, जब इतनी वैकेंसी कम थी तब 62 पे, इस बार तो वैकेंसी भी ज्यादा है, ये भी सोचो मुंबई जोन की, मैं केवल मुंबई जोन की बात कर रहा हूं, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की,
और क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, अब और पॉइंट्स ये हैं कि ग्रुप डी के 2022 में क्या रहने वाला है कटआउट, तो उसके लिए लगभग आपका होना चाहिए 60, अगर जनरल की बात करूं तो 60 प्लस होना चाहिए, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो लगभग 55 प्लस होना चाहिए, एससी की बात करूं तो आपका लगभग 50 प्लस होना चाहिए, और एसटी की बात करूं तो एसटी के लिए लगभग 45 प्लस होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी की बात करूं, पीडब्ल्यूडी की अगर बात करूं तो 40 प्लस होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 50 प्लस आपका होना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है साथियों, ये था 2022 के लिए एक्सपेक्टेड कटा। तो साथियों अगर आपको बहुत से रीजन अगर सिलेक्शन इस बार लेना है तो जम के मेहनत करिए और ताकत लगा दीजिएगा, कहते दिन दुगना रात चौगुना मेहनत करके आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है अगर आप तैयारी कर रहे हैं रियली। तो साथियों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर आपको मैथ्स की ट्रिक्स मिल जाएगी, मेरे चैनल से रीजनिंग ट्रिक्स मिल जाएगी, फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक मिल जाएगी, आप सब मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और अगर आपको किसी भी जोन की कट ऑफ चाहिए जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।